तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। मालूम है यार, बड़े दिनों बाद व्लॉग आ रहा है भाई। एक महीने बाद व्लॉग आ रहा है, तो थोड़ी वजह थी, थोड़ी काम थे, थोड़ा दोस्तों से मिलना था, इसलिए व्लॉग नहीं आया। दाढ़ी शाढ़ी देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है, मुझे इतनी बड़ी हो चुकी है यार। मतलब इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, इसको कटवा दूँ, और कुर्बानी वगैरह भी थी, ईद का सीज़न था, तो मंडी व्लॉग भी नहीं आया, इसके लिए यार बहुत सॉरी। इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लेने, आप हर दिन व्लॉग आया करेंगे, कोशिश करूँगे हर दिन बनाऊँ, मगर कुछ मसले हो जाते हैं यार, कुछ मसले हो जाते हैं यार। तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देखी है यार, मतलब जो चीज़ अब मुझ पे गुजरी थी, जिस तरह मैं अपना मुल्क छोड़ के गया था, आज मेरा भाई जा रहा है यार। मेरा जुड़वा भाई भी है, आप लोग अगर पता नहीं हो तो मेरा एक जुड़वा भाई भी है। मेरा जुड़वा भाई, हम थोड़ा ज़्यादा सैमसंग नहीं लगते हैं, बराबर से सैमसंग लगते हैं, तो हर जुड़वा सैमसंग नहीं होता, मगर हम जुड़वा हैं हकीकत में भाई। तो वो आज जा रहे हैं, आज उसकी फ़्लाइट है, अभी तकरीबन टाइम 11 बज रहा है, उसकी 6 बजे की फ़्लाइट है, उसका मतलब हमें 3 या 2.5 बजे जाना होगा एयरपोर्ट, तो उसको छोड़ने जाऊँगा। तकरीबन 23 साल से हम साथ हैं यार, भाई जा रहा है काम के लिए, परदेश जा रहा है, जिस तरह मैं गया था वो एक जिम्मेदारी उठा रहा है, इससे मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि यार भाई जा रहा है। एक चीज अच्छा है, वो अपनी सक्सेस के लिए जा रहा है, अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है, जो काम शायद मैंने नहीं किया शायद वो पूरा कर दे, और इंशाल्लाह आगे जाके मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे तो यहाँ पे कोई पाकिस्तान में अपना फ्यूचर तो नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जितना काम शाम लो नहीं मिलता, जितना पढ़ लो कुछ नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी मेरी अच्छी खासी है, मगर काम चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी नौकरी हो, कोई भी प्राइवेट नौकरी हो, गवर्नमेंट नौकरी हो, कहीं पे भी अप्लाई किया कुछ नहीं मिला। तो हालांकि मेरे वालिद साहब भी पुलिस नहीं, वो जब रिटायर हुए उसके बदले तक मुझे नहीं रखा। ये तो होता है ना कि अगर वालिद रिटायर हो तो उसका बेटा लग जाता है, उस चीज़ में तक भी मुझे नहीं रखा। खैर कोई बात नहीं यार, अल्लाह ताला ने जहाँ जिसका रिस्क रखा है, बस अभी तो भाई जा रहा है, चल आगे जाके मैं भी अप्लाई करूँगा अपना नया वीज़ा, और कहीं नए मुल्क में जाऊँगा और नए मुल्क आपको दिखाऊंगा भी और काम भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो अभी भाई जा रहा है, तो दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। अब जाते हैं, थोड़ा बाल वाल बनाते हैं, इसके बाद रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट, भाई को अलविदा करते हैं। दिल बड़ा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मेरे पे जो गुजरी है परदेस, मैंने जो गुजारी है, तो बस भाई का परदेस थोड़ा आराम से जाए, थोड़ा सुन से जाए, बस दुआ करें भाई के लिए, और कमेंट लाजमी करें सब, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा बाल शाल बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। 2000 years later. भाई फाइनली मैं बाल बाल बना के आ गया भाई, ये भी रेडी होके आ गया भाई। यार कहाँ जा रहा है? जा रहे एयरपोर्ट में शोएब को छोड़ने। अरे मेरा भाई का नाम ले रहे, वो मेरा भाई, मेरा जुड़वा भाई है भाई। आधे घंटे में बस गाड़ी आ जाएगी, उसके ऊपर निकलते हैं यार। बस वो भी हालत को कामयाब करे, जिस मकसद पे वो जा रहा है भाई, सक्सेस मिले अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे के लिए, बस अल्लाह कामयाब करे उसको। और कमेंट में मेरे भाई के लिए दुआ करना, और इंशाल्लाह आपका भाई भी। बस ये इधर फायदा नहीं है भाई, देख लिया भाई, इधर बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, हमें भी बाहर परदेश ही फिर से काटना पड़ेगा। मगर जिस तरह मेरे पे गुजरी है, जिस तरह मुझे काम मिला है, छोड़ा मिला है, छोड़ा है, वो चीज़ भाई पे ना गुजरे, क्योंकि यार परदेश बहुत मुश्किल होता है। आपको बस कमेंट में दुआ करना, और बस रेडी होता हूँ यार। ये तो रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी होकर ही मिलता हूँ, तो बस गाड़ी शाड़ी बना देती, बस कपड़े पहन के मैं रेडी होता हूँ, बस गाड़ी आने वाली यार, तो मैं तैयार होकर ही मिलता हूँ यार, और तुम्हें एक छोटे मेहमान से मिलाऊंगा यार, तुम्हें पता नहीं मिलाऊंगा, बहुत चेता आने भाई यार, तो मैं रेडी होकर ही मिलता हूँ। ये क्या चीज है? वो इधर इधर रुक 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 रुक, क्या नाम है तुम्हारा? ये कौन सी ज़बान? इधर क्या नाम है तुम्हारा? A few inches later. तो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, पसीना बहुत हो रहा है यार, लाइट भी नहीं है यार, क्या यार पाकिस्तान में यार, मैं बेजार हो गया, मुझे फिर से जाना है भाई यार, और इतनी कड़क धूप है यार, क्या अजीब है भाई। भाई तेरे को गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लग रही है, लोग सब्सक्राइब करें, एसी लगा यार, सब तुम सब्सक्राइब करो। मैं अपनी अपना रूम, मेरे रूम का हालत देखो यार, क्या बन गया है यार, लोगों के पैंपर यहाँ पे पड़े हुए यार, चेक करो मेरे रूम का हालत, सब्सक्राइब करो कि मैं एसी लगा दूं यार यहाँ पे। और बाकी यार सामान वामान सब पैक हो गया ना भाई? बस पैक हो गया, बस गाड़ी का इंतजार हो रहा है, गाड़ी आएगी तो भाई को अलविदा करेंगे, जाएंगे एयरपोर्ट यार। यार मुझे सेम सेम अपनी फीलिंग आ रही है, जिस तरह मैं गया था लास्ट टाइम, याद होगा इस तरह मेरी फीलिंग थी, मतलब मुझे अंदर से तो रोना आ रहा था, मगर बस क्या लड़के यूं नहीं होते ना, अंदर से रोते। तो बस गाड़ी का इंतजार करें, बस गाड़ी आ जाएगी फिर चलते हैं यार, धूप बड़ी ज्यादा है, बहुत गर्मी है भाई यार, कराची घर से बाहर नहीं निकली भाई, प्लीज यार गर्मी बहुत है, समझा करो। और अब गाड़ी आएगी, गाड़ी में सामान लोड करके सीधे चलते हैं एयरपोर्ट, वेट करते हैं। फाइनली नीचे गाड़ी आ चुकी, जल्दी बैगेज उठा भाई, टाइम नहीं है यार, लेट हो चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हमें यार, क्योंकि फ्लाइट निकल जाएगी भाई, बड़ा पंचायत हो जाएगा, टिकट वगैरह जाया हो जाएगा भाई यार। मैंने एक हाथ से बैगेज पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, कितना भारी है यार। चलो भाई यार ये रख ले ना भाई, रख ले, टाइम नहीं है भाई यार, जल्दी रख जल्दी रख। भाई भी नीचे आने वाला, भाई से भी आपको मिला दूंगा, ठीक है? अपने भाई मेरा देखा नहीं होगा, शायद कहीं कहीं में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, वैसे तो नहीं देखा होगा भाई। मैंने तुम लोग को बोला एक अपने शख्स से आप लोगों को मिलाऊंगा छोटे, ये चेक करो कैसे हो, ठीक है? हाय मॉम, बेचारा बात इतना नहीं कर सकते, इसकी जबान तुम नहीं समझोगे यार, कैसा लग रहा सब, कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखना, ठीक है? चलो भाई फाइनली यार निकल गाड़ी की तरफ, भाई बाहर जा रहा है, एयरपोर्ट में पहुंच के ही मिलते हैं यार, क्योंकि बहुत गर्मी है यार, नहीं बना सकता हम लोग। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ये क्या कर रहे हो? अरे इस उम्र में मोबाइल चला रहे हो तुम, है इधर देखो इमाम। अरे अब ये रो रहा है।
तो गाइस फाइनली अब जा चुके हैं भाई। ये मेरा भाई माशाल्लाह भाई कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पैसे के लिए जाना पड़ता है भाई। चलाना नहीं आता तेरे को ट्रॉली यार। भाई कैसा लग रहा है यार? अच्छा नहीं लग रहा है, बस मजबूरन यार जाना पड़ता है। मैं गया हूँ, मेरे से नहीं हुआ भाई, मेरा काम तू कर दे वहाँ पे जाके। बस अपना फ्यूचर बना और दुआ है भाई। तू भी तू कब जाएगा भाई? भी जा रहा हूं। भाई तेरा अबू तो वैसे ही उधर है भाई, इसको भी बुला लेना तेरे को। जाएंगे जाएंगे, पढ़ाई कंप्लीट करके जाएंगे। बस भाई पढ़ाई कंप्लीट कर, तू भी चला जा भाई। और मैं तो पूछो ही मत, बस इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे हम जाने की। भाई सामान यार अभी ट्रॉली से उतार के ऊपर, लिफ्ट में नहीं जा सकती ट्रॉली, इसके अभी हाथ में पकड़ लिए यार। मेरा दिल पता नहीं क्यों अलग सा हो रहा है भाई। तुझे क्या पता, तेरा भाई नहीं है ना, मेरा भाई है। मेरा भी अब पता है, 22-23 साल से हम साथ रहे हैं। तो पर मैं प्रदेश काट के आया हूँ, तो वो जा रहा है। बस अल्लाह कामयाब करे सबको यार, जो जो प्रदेश में। भाई अंदर चला गया यार, बड़ा अजीब सा हो रहा है। जिस तरह मैं अंदर गया था अभी उस तरह वो भी अंदर गए। इंशाल्लाह बस अल्लाह उसकी उसे कामयाब करे। और मैं तो कहता हूँ जितना मैंने बर्दाश्त किया है ना, उतनी तक वो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरह मैं इधर उधर प्लस पे एक ही जगह पे काम करने लगा, रिजल्ट देने वाली जात तो होता ही है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। अंदर चला गया है, मुझे कॉल करेगा कि जब वो वेटिंग एरिया में पहुँच जाएगा कॉल कर दे। भाई पूरे रास्ते में सोया रहा है। इमाम 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 किधर थे, क्यों सो गए थे तुम? हैं अभी बोलता कुछ नहीं है, बोलो ना। अब रुपए का इसको कौन लाया एयरपोर्ट भाई? हां इसको कौन लाया यार, ये बड़ा शैतानी करता है, मस्ती करता है। क्या चाहिए क्या चाहिए भाई? कमेंट में इसके लिए सब माशाल्लाह लिखो यार, बड़ा शैतानी करता है, मगर माशाल्लाह लाजमी लिखना यार, नज़र लग जाती है। इधर इधर इधर, बड़ा मस्ती, ये बहुत मस्ती करता है भाई, मेरे पे फोन वोन फेंकता है ये। तो भाई फाइनली भाई चला गया वेटिंग एरिया पे, चला गया। ये बैगेज एक्स्ट्रा था, वो ज्यादा बैगेज नहीं कर रहे थे क्योंकि सामान एक ही में भी आ सकता था, तो इसलिए एक बैगेज वापस लिया। तो इसी ब्लॉग को लगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप, होप टॉप अच्छा लगा होगा। यार भाई चला गया, इंशाल्लाह मैं भी जरूर वापस जाऊंगा और इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि यार मैं डिजर्व करता हूँ भाई। यार मैंने बहुत मेहनत की यार, मैं एक अपने शौक के लिए 7 साल लगा सकता हूँ यूट्यूब के लिए यार, तो अपने करियर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये ज्यादा खुश है, इसको इसको देखो। इमाम इमाम ये तुम खुश क्यों हो इतने? इधर देखो, इधर 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 देखो, ये क्या पागल हो गया भाई? इधर देख अभी, क्या चीज है भाई यार ये? ओए ओए इधर देख, इधर देख क्या कर रहा है भाई यार, ये तो बिल्कुल भाई अंधा बन गया। चश्मा मेरे को दे, मैं चश्मा मेरे को दे। चलो भाई व्लॉग को एंड करो। इमाम इमाम व्लॉग को एंड करो, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलो इमाम। अरे भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसकी जगह मैं ही बोल देता हूँ यार, ये पागल हो गया भाई यार। तो यार इसी व्लॉग को लगाते हैं फुल स्टॉप। होप सो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में माशाल्लाह चाहिए तो लाजमी लिखना है, दुआ करना मेरे भाई के लिए, अल्लाह उसको सक्सेस करे, उसको कामयाबी दे। और मैं भी इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से निकलूँ यार, भाई यहाँ पे तो कोई फायदा ही नहीं जितना तक मेरा अंदाज़ है भाई। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ बोल दे भाई इनको, अल्लाह हाफिज़। इसका नाम जैद है, ये मेरे व्लॉग में कुछ सालों बहुत सालों बाद आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखूँगा। ठीक है, बाय बाय।